ये देख लीजिए, जेडो सेट 100 पावर, जेडो सेट 100 पावर भाई देख लीजिए भाई, हमारी यूज़ करी चीज़ है और हम ये डो शेड भाई, इसमें जो डब्बी है इसके अंदर आएगा पाउडर, पाउडर आएगा और जो एक छोटी सी प्लास्टिक की शीशी आएंगी इसके अंदर, उसमें आएगा लिक्विड, लिक्विड को खोल के वो बॉटल में डाल देना है। जब आप वो लिक्विड को खोल के पाउडर में डालोगे तो पाउडर को आपको हिलाना है, हिलाना इस तरीके से हिलाना है जब तक के भाई वो मिक्स नहीं हो जाता है, हिलाना ही है आपको 10 से 15 बार भाई आपको हिलाना ही है। वो जब आप वो हिलाओगे तो ये मान के चलो वो आपका लिक्विड हो जाएगा 30 ml। देने का तरीका ऐसे है कि भाई हमारी इस वीडियो को बारीकी से एंड तक के देखो और इसके अनगिनत फ़ायदे हैं और भाइयों इसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियो बनाऊंगा कि पहले तो आप जो कबूतर की वायरस आ चुकी है, कबूतरों में अनगिनत वायरस आ चुका है समझ लो कि कबूतर की, एक कबूतर की आँख आ गई, दो कबूतर की आँख आ गई, तीन कबूतर की आँख आ गई, भाइयों ये इलाज है 2000%। ये आपके जो कबूतर में वायरस आता है तो भाई जेडो सेट आप ले आओ मार्केट से लेके आने के बाद जो हमने तरीका बताया है उस तरीके से आपको लिक्विड को मिला लो, मिलाने के बाद 30 ml की शीशी हो जाएगी कंप्लीट, 30 ml की। और भाइयों मैं आपको बता देता हूँ ये आपके कितने कबूतर पे यूज़ हो सकती है, हम इसका जो इलाज बताएंगे आपको 20 कबूतर से लेके 30 कबूतर तक के, आपके पास 20 कबूतर है या 30 कबूतर है तो इसका आप लेना 2 लीटर पानी लेना है भाइयों आपको, और इसमें से प्लास्टिक का जो ढक्कन आएगा आपको लेना है 10 ml। कितना लेना है भाई आपको, 10 ml लेना है और 2 लीटर पानी में डाल देना है। आपके भले से दो कबूतर बीमार है तो भाइयों आपको ये सब कबूतरों को पिलाना है, आपके पास जितने भी कबूतर है ये 20 से 30 कबूतर के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, 10 ml, 20 से 30 कबूतर के हिसाब से बता रहा हूँ भाई आपको 10 ml, और आपके पास सब कबूतरों को पिलाना है आपको, एक कबूतर को भी नहीं छोड़ना है और बहुत ही सावधानी से पिलाना है भाइयों आपको, ये काम करना सुबह के टाइम में आपने डाल देना है कबूतर को दाना वगैरह, ठीक है भाइयों। डालने के बाद आपको लेना है 2 लीटर का डब्बा, कभी 2 लीटर का डब्बा नहीं है आपके पास तो आप ले लो 1 लीटर का डब्बा, और इसमें आपको जो 10 ml जो आप ढक्कन में निकालोगे तो आधा इसमें डालना है और आधे इसमें डालना है, और कबूतर के सामने जब कबूतर दाना पानी खा ले, दाना पानी खाने के बाद उसके सामने रख दो, रखने के बाद देख ले कबूतर ने दाना पानी खा लिया है, पेट भर के वो पानी के लिए तड़प में है, तो उसके सामने आप रख दो, कबूतर आएगा स्पीड से, जो कबूतर यानी जितने भी कबूतर सब कबूतर को पानी पिलाना है, कबूतर जो आँख वाला कबूतर जिनकी आँख आ रही है उनको भी, वो कबूतर भी जब पानी पिएंगे, अच्छे कबूतर ही पानी पिएंगे, तो कबूतर जो अभी जो अभी जो मौसम चल रहा है भैया बारिश का मौसम चल रहा है, अभी जो जो चल रहा है ना भाई बारिश का मौसम चल रहा है, तो जितने भी आपके सब कबूतर में दो वायरस जो है ना कबूतर का फैलता है, कबूतरों का वायरस फैलता है एक दूसरे के द्वारे आँख, ठीक है, मेन तो उनके आँख के द्वारा फैलता है, तो आपको सब कबूतरों को ही इसका पानी पिलाना है। जैसे आपने देख लिया कबूतर ने पानी पी लिया, ठीक है, पानी सब कबूतर ने पानी पी लिया, वहीं खड़े रहना, आपको जगह नहीं छोड़ना है, वो जगह नहीं छोड़ना है, आपने देख लिया कबूतर ने पानी पी लिया है, पीने के बाद आप सब कबूतर ने पानी पी लिया है, ठीक है, तो दोनों डब्बे उठा आपको वहाँ से उठाने के बाद उसको बाहर अलग से ढाक के रख दो, छाँव में ढाक के रख दो, 3 घंटे बाद वापस आपके कबूतर के पास आना है, कबूतर के पास आने के बाद फिर जो आपने पानी बाहर रखे थे छाँव के अंदर ढाक के, वो पानी वापस से उनके पास रखना है, वापस से पानी उनके पास रखना है, और आपको
कम से कम 10 से 15 मिनट खड़े रहना है जब तक आपका कबूतर पूरा पानी पी नहीं ले। तो आपने देख लिया 10-15 मिनट हो गया, हमारे कबूतर ने सब पी लिया है। सब पीने के बाद आपको कम से कम दो घंटे बाद, 3 घंटे बाद ये कंटिन्यू आपको शाम तक के इसी तरीके से पानी पिलाना है। आपको इसी तरीके से आपको पानी पिलाना है, फिर आप बाहर रख लो, फिर आप बाहर रख लो। रखने के बाद फिर उसको छांव में ढक के रखने के बाद फिर उसको आप फिर 2-3 घंटे बाद आओ फिर रखो। फिर जिसको पानी पीना होगा पानी पिएगा, 15 मिनट बाद फिर वापस आप बाहर आ जाओ, यानी पानी को वापस ला के ढक दो। ढकने के बाद आपने देख लिया अब शाम का टाइम हो गया, कबूतरों को दाना पानी का टाइम हो गया, तो सब कबूतरों को दाना पानी खिला दो। आप सब कबूतरों को दाना पानी खिलाने के बाद तो आपने देख लिया पानी को गंदा ही मत होने देना भाई। मैं आपको बता दूँ, आप ये मत करना कि आपने रख दिए सुबह शाम पानी वहीं, तो भाई पानी गंदा हो जाएगा, पानी उनका गंदा हो जाएगा, तो भाई ये मत करना आप। ये आपको 3 दिन कंटिन्यू इस तरीके से मेहनत करोगे तो आपके कबूतर के 3 दिन के अंदर पूरा वायरस जड़ से ख़त्म हो जाएगा भाई, सिर्फ 3 दिन में। बाकी आप वीडियो पूरी देखो, मैं आपको बारीकी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। ये आपने कर लिए, जब कबूतर दाना पानी खिलाने के बाद कबूतर ने दाना पानी खा के बैठ गया है। बैठने के बाद आपने देख लिए क्या, जो 2 लीटर पानी था थोड़ा सा कम हो गया है। कम होने के बाद भाई उसमें एक एक गिलास पानी और डाल देना, सादा पानी वही डब्बों में आधा गिलास भर के बस सामने रख दो। आपकी छुट्टी हो गई बस। अब वो पानी जब कबूतर दाना वाना खा लेगा पेट भर के, जब वो पानी पी लेगा अंधेरा हो जाएगा, तो वो पानी आपको फेंक देना है बस, वो पानी का ख़त्म। उसके बाद फिर जैसे कि आपके मान लीजिए कुछ कबूतर की ज़्यादा ही आँख अंधी हो चुकी है, आँख से ना दाना पानी वो खा नहीं पा रहे, यानी दाना पानी ढूंढ रहे हैं, तो आपको ये करना है दिन भर कम से कम आपको उन कबूतर को दिन में चार बार 5 ml वही डब्बे में से इंजेक्शन से पानी पिलाना है। इंजेक्शन से 5 ml कम से कम 4 बार पिलाना है, 4 से 5 बार पिलाना है। जब भी आप आते हो उसको पिला दो, जो कबूतर से दाना उठाते नहीं बन रहा है, पूरा आँख अंधी हो गई है, तो उन कबूतर पर यूज़ करना ही है। आपके हाथ से 5 ml पिलाना दिन भर में 4 से 5 बार भाइयों। और जैसे ही भाइयों काफ़ी भाई गवर्नमेंट से माशाल्लाह मेरे पास आई रहती है, वसीम भाई कुछ ऐसा इलाज बताओ, तो भाइयों ये समझ लीजिए आपने कभी ये यूज़ कर लिए तो आपके 100% कबूतर की भैया आँख सूज रही है, आँख में पानी आ रहा है, ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, इससे सही हो जाएगा 100% भाई सही होगा। सही होने के बाद आपसे गुजारिश है कि आप भी हमारे को वीडियो बना के दो। आपके पहले बीमार कबूतर की वीडियो बना लो, बीमार कबूतर की वीडियो बनाने के बाद फिर आप कबूतर अच्छे हो जाए, फिर आपने बताना देखो ये हमारे कबूतर भाई ऐसे ऐसे हमारे कबूतर हो गए थे और वसीम भाई के इलाज से सही हो गए। तो भाई हम ये चाहते हैं कि हमारी ये जो इलाज है ये ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक के पहुँचना चाहिए, क्योंकि भाइयों अपने ईमान के छोड़ो पूरा वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान पूरा वर्ल्ड में लाखों करोड़ों के पास कबूतर है। तो हमारा भाई मुहिम यही है, हमारी मुहिम बस यही है कि कबूतर की जान बचाए। ये मान चलो भाई, तो 20 साल का लड़का हो या 60 साल का आदमी क्यों नहीं हो, कबूतर उड़ाने का शौक तो रखता ही है, वो कबूतर उड़ाने का शौक रखता ही है और उड़ा भी लेता है वो। बाकी जहाँ आती है जब कबूतर बीमार पड़ता है तो भाई उसको संभालना, भाई उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाजी का टाइम, टूर्नामेंट का टाइम में काफ़ी चीज आप और हम कबूतर को खिलाते हैं उड़ाने के लिए कि हमारा कबूतर शाम तक के उड़े, ठीक है ना भाइयों। ये आप और हम करते ही है भाई, ऐसे नहीं कि आप ही करते मैं नहीं करता हूँ, हम भी करते हैं, हम बोलेंगे भाइयों। तो उसके बाद जब कबूतर लुस्त होता है, बीमार होता है, जब क्या होता है, काफ़ी भाई हो क्या करते हैं, हाथ ऊपर कर लेते,
यार भाई हमसे अब कबूतर सही नहीं हो रहा है। हमने कोशिश कर ली कबूतर, हम ये ड्रॉप देते हैं, हमने 70 रुपये का ड्रॉप लिया है, 60 रुपये का ड्रॉप लिया है, कबूतर 3 दिन होता है उसके बाद वापस कबूतर ख़राब है। अभी हमसे कबूतर सही नहीं हो रहा, ले बेटा तू ले कबूतर, ये गलती मत करना भाइयों। आप हमसे बिल्कुल जुड़े रहो भाइयों, हम इसके ऊपर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं भाइयों।